चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज साइक्लोन का वीडियो, क्योंकि रिसेंटली अभी आया था साइक्लोन मिचाउंग, उस पर है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा साइक्लोन था, कैसा था। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ 2023 में, और यह एक लिखा हुआ है मिचाउंग ओरिजिनेटेड लो प्रेशर एरिया इन गल्फ ऑफ थाईलैंड विच क्रॉस इनटू बे ऑफ बंगाल। तो मतलब लो प्रेशर एरिया जो है पहले वो गल्फ ऑफ थाईलैंड में बना था। गल्फ ऑफ थाईलैंड अगर हम दिखाना चाहें, देखिए आपको यही है, यही रीजन है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पे बना। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आके जो है क्या बोलते हैं इंटेंसीफाई हो गया, और फिर यहाँ से ये चलते हुए नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, और देखिए क्या साइक्लोन ग्रेजुअली मूव नॉर्थ वेस्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज टुवार्ड्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यही चीज़ है कि यहाँ से मूव किया नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बहुत भारी बारिश हुआ। ठीक है, फिर क्या है, स्टॉर्म पिक विद सस्टेन विंड्स ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर कॉजिंग हैवी रेनफॉल इन तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, और फिर क्या बोल रहा है, बिफोर मेकिंग लैंडफॉल नियर बापतला इन आंध्र प्रदेश ऑन December 5। यही बोल रहा है कि लैंडफॉल जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जगह है बापतला, वहाँ पे किया। तो लैंडफॉल का मतलब वही होता है कि जब मॉइस्चर का कट ऑफ हो जाता है, जैसे ही पानी से, साइक्लोन पानी पे ही चलते हैं, तो पानी मॉइस्ट उसको चाहिए हमेशा, अभी हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो फिर कैसे उसका लैंडफॉल होता है, तो फिर आते हैं थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। चलिए, एज पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइक्लोन रिजल्ट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस सराउंडिंग अ लो प्रेशर एरिया कैरेक्टराइज बाय रैपिड एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन। वही चीज़ बोला है कि लो प्रेशर एरिया के आसपास अगर सर्कुलेशन होने लगता है हवा का, उसके कारण साइक्लोन जनरेट करता है। फिर क्या, एयर साइक्लोन, देखिए इसमें क्या हुआ है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन दिया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, यही डायरेक्शन होता है साइक्लोन। फिर आता है ऑकरेंस, साइक्लोन विंड्स वर्क अक्रॉस नियरली ऑल रीजन्स ऑफ अर्थ एक्सेप्ट इक्वेटोरियल बेल्ट। तो ये इक्वेटोरियल बेल्ट में नहीं होता, ये बहुत मतलब प्रीलिम्स पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये सब रीजन में होता है एक्सेप्ट इक्वेटोरियल बेल्ट। उसका भी रीजन अभी बताएंगे हम आगे, उसका रीजन यही है, देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स। लेकिन क्या होता है ना कि 0 से 5 डिग्री लेटीट्यूड में कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है, इसके कारण से ना जब कोरियोलिस फोर्स इसका जब जरूरी है। ठीक है, तो यही देखिए कंडीशन, पहला देखिए, लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर दैट कैन रिलीज इनॉर्मस लैटेंट हीट। तो पहला ये हो गया, वार्म और मॉइस्ट एयर चाहिए उसको। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स चाहिए। तीसरा क्या है, अनस्टेबल कंडीशन थ्रू एटमोसफियर डेट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड विच साइक्लोन डेवलप्स। अनस्टेबल कंडीशन चाहिए। ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन वही होता है कि मतलब स्टेबल नहीं होना चाहिए। स्टेबल हो जाने का मतलब क्या होता है कि जब उल्टा हो जाएगा, जैसे कि ठंडा में होता है, मतलब स्टेबल हो जाता है कंडीशन, स्टेबल यहाँ अनस्टेबल रहेगा, नीचे से ऊपर हवा उठते हुए जाता है, ऊपर जाके फिर वो डाइवर्ज करता है, तो वही कंडीशन बताया जा रहा है। अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज विच डिस्टर्बेज वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लैटेंट हीट। देखिए अभी इसका डायग्राम है, उसको बताएंगे आगे क्या। देखिए यही चीज़ बोला जा रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, ये हो गया हाई, तो यहाँ से जो हवा उठ रहा है वर्टिकल उठ रहा है, ये सब उठ रहा है ना हवा। ठीक है, ये सब हवा उठ रहा है, वर्टिकल उठ रहा है, देख लीजिए, वार्म मॉइस्ट एयर राइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके डाइवर्ज होता है हवा, वार्म एयर कूल्स होता है यहाँ पे, ये हो गया आई आपका। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज विच डिस्टर्ब्स द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लैटेंट हीट। ठीक है, फिर देखिए, फिर आते हैं आप कॉज, लो प्रेशर एरिया के मतलब इर्द गिर्द जो है घूमने लगती है हवा, उसी कारण होता है। आई ऑफ साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, लो प्रेशर सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है यहाँ पे, और ये यहाँ का आई ऑफ साइक्लोन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, सराउंडिंग रीजन के मतलब
आसपास में। फिर आई वॉल क्या है, आई वॉल देखिए यही है, यही जो वॉल है आई का, इसी को बोलते हैं आई वॉल। आई वॉल तो यहाँ देखिए बारिश तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड है। ठीक है, आई वॉल सराउंड द आई विद स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड हैवीएस्ट रेन, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ साइक्लोन। ठीक है, फिर स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, एबनॉर्मल राइज इन सी लेवल ड्यू टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, वही चीज हुई है, समझ रहे हैं। साइक्लोन प्रोन एरिया इंडिया ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट आर इफेक्ट। हाँ तो साइक्लोन स्टॉर्म सर्ज है, एबनॉर्मल राइज इन सी लेवल ड्यू टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, यही हो गया स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, सी लेवल के राइज अगर अचानक से हो जाता है उसको स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। फिर आता है साइक्लोन प्रोन एरियाज क्या क्या है, तो इंडिया का ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों जो है साइक्लोन प्रोन है, क्योंकि इससे पहले अगर याद होगा आपको बिपरजॉय आया था अपना वेस्ट कोस्ट पे, गुजरात और मुंबई के रीजन में, फिर अभी तो देख रहे हैं आप। ठीक है, अभी जो साइक्लोन अभी पढ़ रहे हैं वो आया है अभी ईस्ट कोस्ट पे, अरे दोनों टाइम आता है मोस्टली इन प्री मानसून या फिर पोस्ट मानसून सीजन में। फिर आता है इंडिया ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, कम से कम 5 साइक्लोन जो है नॉर्थ इंडियन ओशियन बेसिन में जो है, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों को कवर करता है, 5 साइक्लोन मतलब अभी देखा जा रहा है कि आता ही है छोटा या फिर ये। फिर ये आपको डायग्राम बताया जा चुका है, इसमें देख लीजिए कैसे लो प्रेशर से हवा उठता है, यहाँ पे हाई हो गया, ये कोल्ड, ये मतलब हॉट रहता है लेकिन यहाँ बारिश नहीं होता है। ठीक है, रेनलेस एकदम। फिर ये सब बैंड जो भी है इसमें बारिश होती है, ये आईवाल हो गया सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये ऊपर वार्म मतलब वार्म में जाके कूल होता है, फिर डाइवर्ज हो जाता है, इसी को बोलते हैं ऊपर में बनता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, नीचे में साइक्लोनिक कंडीशन। फिर आप क्रॉस सेक्शन अगर देखते हैं तो इसमें भी देखिए सेम है। ठीक है, इवेपोरेट हुआ वाटर कंडेंसेशन होगा, रेन होगा, इवेपोरेट हुआ वाटर कंडेंसेशन होगा, रेन होगा। फिर जो है आई के नीचे देखिए ये जो लाइन अगर बना हुआ है, हवा जो डायरेक्ट नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और यहाँ लो प्रेशर, तो हाई समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट आई में जो है एयर सबसाइड करता है। यह बहुत एक रेयर मतलब रेयर क्या मतलब एक है सिस्टम है कि मतलब यहाँ आई में जो है एयर डिसेंड करता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर हाई रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आई का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है साइक्लोन ये जो है माई चुआंग फॉर्म कैसे हुआ, इसका देखिए ओरिजिन, तो हम लोग देख रहे थे कि हाउ द साइक्लोन फॉर्म्ड, ये जो साइक्लोन है कैसे फॉर्म हुआ। तो पहले अगर ओरिजिन इसका देखते हैं तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ गल्फ ऑफ थाईलैंड में, फिर वहाँ से वो बंगाल में जाके डिप्रेशन में हो गया, फिर डिप्रेशन से वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, फिर सुपर साइक्लोन बनता है। इसकी इंटेंसिफिकेशन में अगर हमको लिखना रहेगा तो किसा किसका हेल्प है, तो मेडल जूलियन ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन होता है। देखिए इसका ऑसिलेशन ऐसे होता है जैसे कि क्या होता है ना कि इसमें इस ये इंडिया है, ठीक है, तो एक फिनोमिना होता है कि एक जगह से उठता है ऐसे ऊपर में, ठीक है, ये लैटिट्यूड ले ही होता है, ठीक है, लैटिट्यूड ही मतलब ये अगर आप लैटिट्यूड है, ठीक है, तो ऐसे ऊपर उठता है, ठीक है, और ये एक ऑसिलेशन बनता है, ठीक है, ये एक ये बन गया ना, इसी को बोलते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये भी इसको इंटेंसीफाई किया है, मतलब इसके मतलब उससे जो रेनफॉल हुआ था है ना, लिखा वेदर एनिमल रेनफॉल से रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, फिर कोर्स ऑफ एक्शन अगर इसका देखते हैं हम लोग तो कोर्स ऑफ एक्शन पहले भी देखे हैं कि यही है कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यहाँ से होते 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 गल्फ ऑफ थाईलैंड से होते हुए ये है अंडमान सी से होते हुए, ठीक है, फिर ये इंडियन ओशियन में आता है और इंडियन ओशियन से फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर जाके फॉल करता है। तो इसका फॉल भी आप लोग पढ़े होंगे, यही चीज़ देखिए इसमें लिखा भी होगा कहाँ पे फॉल करता है, बाप पटला डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। लैंडफॉल मतलब होता है कि मॉइस्चर कट हो जाए। ठीक है, फिर आता है नेमिंग कन्वेंशन, तो नेमिंग कौन दिया है, तो म्यांमार दिया है। तो इस नाम का जो है क्या सिंबल है, मतलब सिंबलाइज क्या करता है, स्ट्रेंथ और रिजिलियंस। तो बिना अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इसका नाम देता कौन है, आपको जो है पूछ सकता है किसी भी प्रीलिम्स क्वेश्चन में कि फॉलोइंग इसका नाम कौन सा देता है, किसके मतलब वो उससे होता है। तो फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन
और द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो इस बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के लिए यही दोनों संस्था जो है रिस्पॉन्सिबल है नाम देने के लिए। नेम ऑफ साइकिल प्लेटफॉर्म लिस्ट, एक लिस्ट बन जाता है, सब कंट्री अपना अपना दिए रहते हैं उसमें से उतरते हैं। एक और फैक्ट देख लीजिए, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की, इट वॉज द फर्स्ट ट्रॉपिकल एंड इट रीचेज अ पीक इंटेंसिटी ऑफ 90 to 100 किलोमीटर पर आवर, विंड गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। तो लैंडफॉल कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर लारी स्टिक। तो इस तरह से आपको ये साइक्लोन फॉर्म होता है। फिर अगर इसका हम देखते हैं कि देखिए साइक्लोन कोई भी है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट बहुत तरह से हो सकता है, आपको मीन्स या फिर आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि कोई भी साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, अभी आप सुनते भी होंगे कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल के कारण क्या हुआ है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फ्लड आ गया है। तो प्रोलॉन्ग रेनफॉल, ठीक है, बहुत रेनफॉल होता है क्योंकि उसमें कौन सा क्लाउड बनता है, तो क्यूमुलोनिम्बस। ये नहीं लिखा हुआ यहाँ तो आप लिख लीजिए कि क्लाउड फॉर्म जो होता है रेन किस कारण, क्यूमुलोनिम्बस मतलब रेनफॉल करवाता है क्लाउड। स्टॉर्म्स टू मेक लैंडफॉल विथ मोर एनर्जी, ये सब है प्रोलॉन्ग रेनफॉल होता है। फिर क्या हैवी डैमेज क्यों होता है? एक तो रेन हो ही रहा है, उसके बाद स्पीड भी होता है विंड का, उसके कारण क्या होता है, ट्री, इलेक्ट्रिक बोल्स या फिर हाउसेस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होते हैं। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड साउदर्न उड़ीसा, उड़ीसा में भी हुआ है, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो इम्पैक्ट रीजन ये आप डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए अगर आप डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और हम चाहें तो ऐसे करके, ठीक है, एक अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया इंडिया में रफली, ठीक है, तो तमिलनाडु तो ये है, ये फिर ये हो गया आंध्र प्रदेश, फिर साउदर्न उड़ीसा आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। इस तरह से आप इम्पैक्ट बता सकते हैं कि इसका ये डायरेक्शन रहा। तो डायग्राम बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्गर विंड, विंड ऑफ स्पीड तो बताएं, बहुत ज़्यादा पहुँच गया था 110 किलोमीटर पर आवर तक, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। स्टॉर्म सर्ज, हाँ स्टॉर्म सर्ज जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टॉर्म सर्ज बन जाती है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, साइक्लोन जनरेटेड स्टॉर्म सर्च एंड टाइडल वेव्स अप टू 1.5 मीटर अलॉन्ग विथ फ्लैश फ्लड्स इन लो लाइंग एरियाज। तो सी लेवल राइज हो जाता है ना, अचानक से वहाँ पे बारिश हो रहा है और फिर मतलब एक समझ रहे हैं ना आपकी, मतलब हवा के साथ साथ कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या किया है, तो 40 लाख लोगों को किया है। और फ्लड के कारण क्या होता है कि फूड और वाटर का भी बहुत सारा बेसिक सप्लाई नहीं मिल पाया। फिर अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप करता है, क्रॉप्स को, लाइवलीहुड को। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे, तो रोड्स, रेलवे, ब्रिजेज, उसके बाद घर, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, सब डैमेज होते हैं। फिर क्रॉप्स जो रहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसमें फ्लड के कारण क्या होते हैं या फिर हवा के कारण टूट जाते हैं लाइवली, और ये सब लाइवलीहुड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो सब डिस्टर्ब होते हैं। एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, उसको बता देता हूँ कि द नॉर्थ इंडियन ओशियन साइकिल सीजन, ऊपर में आपको दिखा होगा ये चीज़ लिखा होगा। तो ये क्या है, एक साइकिल है, मतलब ट्रॉपिकल साइकिल का ही जो है, क्योंकि फॉर्मेशन होता है हर साल, तो उसी का है लिखा हुआ है, ऑनगोइंग इवेंट इन द एनुअल साइकिल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, ठीक है। और इट हैज़ नो ऑफिशियल बाउंड्स, बट इट साइक्लोन टेंड टू फॉर्म बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर, और पीक जो रहता है मई टू नवंबर में रहता है। दीज डेट्स कन्वेंशनली डीलिमिट द पीरियड ऑफ ईच ईयर व्हेन मोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म इन नॉर्दर्न इंडियन ओशियन। हाउएवर अ साइक्लोन कैन फॉर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर, शोन बाय एन अननेम्ड डिप्रेशन डेट श्रीलंका इन। तो मतलब ये साइक्लोन ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी कभी कभी बन जाता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है मई टू नवंबर बनता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो क्या है कि स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज लिमिटेड टू इंडियन ओशियन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ तक है स्कोप इसका है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक, ठीक है, हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट ऑफ मलाय पेनिनसुला। देयर आर टू मेन सी, अरेबियन सी है और एक क्या है बे ऑफ बंगाल है। तो यही दोनों रीजन है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, यही बताया जा रहा है
क्या होता है ना कि साइक्लोन का जो सीजन, ठीक है, तो ये हो गया अरेबियन सी और ये हो गया बे ऑफ बंगाल, तो यही दोनों रीजन को जो है कि मतलब साइक्लोन हर साल आते हैं, तो इसके लिए ये लोग साइकिल एक बना लिया है, इसी का नाम दे दिया गया है, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशियन साइकिल सीजन। ठीक है, तो यही इसमें है, बस थोड़ा सा टॉपिक है। अब देख सकते हैं कहाँ से कहाँ है, तो ईस्ट ऑफ हॉर्न अफ्रीका एंड वेस्ट ऑफ मलाय पेंसुला। ईस्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, इसको देखिए हॉर्न के शेप का है, ठीक है, इसमें चार कंट्री आते हैं, सीड सीड मतलब सोमालिया, इथोपिया, इरिटिया एंड डी से हो गया जिबूती। ठीक है, तो चार कंट्री यहाँ पे आते हैं, तो उससे बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, इसके ईस्ट हो गया, और ये हो गया मलाय पेंसुला, तो मलाय पेंसुला के ईस्ट हो गया, तो यही रीजन जो है इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।